नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग विद रेनूबाला में। गर्मियों में जो गर्मी है वो अपनी चरम सीमा पर है, तो इस सीजन में हम कोई भी ऐसा पदार्थ चाहते हैं जो शरीर को त्रावट, स्फूर्ति और शीतलता प्रदान कर सके। तो आज हम एक ऐसा आयुर्वेदिक, विशुद्ध आयुर्वेदिक, जो 100% आयुर्वेदिक चीज़ों से बनाया जाने वाला, शरीर को ताजगी, शीतलता, त्रावट और दिमाग, शरीर दोनों, तीनों दिलो दिमाग सभी चीज़ों को, शरीर को स्फूर्ति प्रदान करने वाला पदार्थ बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे आप ढंडाई भी कह सकते हैं और आयुर्वेदिक पेय पदार्थ भी कह सकते हैं। इसका सभी लोगों को गर्मियों में जरूर सेवन करना चाहिए। ये थोड़ा महंगा जरूर बनता है क्योंकि सभी जड़ी बूटियों के रेट अब बहुत आसमान छू रहे हैं, परंतु इसका सेवन हमें कई बीमारियों से बचाएगा। तो पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट के बारे में बता दूँ। यह रहा काशनी। अच्छा, मात्रा कितनी लेनी है ये मैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कितनी कितनी मात्रा में लेनी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होने का चांस है। काशनी, ये रही काशनी है, ये हमने 50 ग्राम लेनी है। कुल्फे के बीज, ये भी 50 ग्राम लेने हैं। कुल्फे के बीज, कुल्फा जो आप बाजार में खाते हैं ना, इसी से बना है। ये इतना ठंडा होता है इसलिए वो दूध का बनाकर बेचती हैं, तो उसे कुल्फे का नाम दिया, कुल्फे के बीज। और ये सूखा धनिया, साबुत धनिया, ये भी 50 ग्राम। काहू के बीज जिसे सफ़ेद जीरा भी कहा जाता है, यह भी हमें 50 ग्राम लेना है। ये सफ़ेद चंदन का बूरा 25 ग्राम। ये काली सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम। छोटी इलायची 25 ग्राम। ककड़ी के बीज, ये सभी चीज़ें हमें जड़ी बूटी बेचने वाली दुकान पर मिल जाएगी बड़ी आसानी से, 50 ग्राम। ये लेने कमल गट्टे की गिरी लेनी है। इसमें से मैं दिखाऊंगी कैसे गिरी निकलती है। वो हमने 25 ग्राम लेनी है। ये मैंने 50 ग्राम लिया ताकि ऊपर का छिलका हटाने के बाद जो 25 ग्राम हमें लेना है, इसमें से एक हरी पत्ती निकलेगी, वो भी निकालनी होती है, वो सेहत की दृष्टि से हानिकारक होती है। काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 50 ग्राम। खसखस, खसखस है जी के दाने, खसखस के दाने बोलते हैं इसे, ये 50 ग्राम। गुलाब के फूल, ये दोनों दो बाउल में आ गया क्योंकि हल्के होते हैं, ये दोनों मिलाकर 50 ग्राम है। और ये रही सौंफ, ये सौंफ हमने 50 ग्राम लेनी है। खस, ये ऐसी होती है खस, इसमें बहुत खुशबू होती है, बहुत ठंडक होती है, बहुत से पेट के रोगों को और दिमागी जो गर्मैश होती है दिमाग को, उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। पेट में लीवर की गर्मी को दूर करती है। मुंह के छाले, नकसीर का फटना, ये सभी चीज़ें मिलकर एक ऐसी बनाएंगे चीज़, ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खा बना देंगे जो हमारी नकसीर का फटना, पेट में बढ़ी हुई गर्मी, लीवर में बढ़ी हुई गर्मी, नकसीर का फटना और पेट की तमाम व्याधियों, जिगर में बढ़ी हुई गर्मी, जिन आजकल लोगों का पित्ता बहुत निकल रहा है, पित्ता क्यों निकल रहा है, पथरियाँ क्यों बन रही है, ये सभी चीज़ों को अगर आप गर्मी में आइस बर्ष सेवन करते हैं 45 दिनों तक, तो ऐसे रोगों का होने ही नहीं देती, पनपने ही नहीं देती। ये रही धागे वाली मिश्री, ऑर्गेनिक मिश्री, ये आपने लेनी है अपने स्वाद के अनुसार। पाउडर बनाकर रख लेंगे, जब इसका पाउडर बनाएंगे और कैसे तैयार करेंगे ये मैं सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से गिरी निकालनी बताती हूँ कि कैसे गिरियाँ निकाल कर आपने रखनी है और इन चीज़ों, तमाम चीज़ों का पाउडर किस प्रकार से तैयार करना है। सैंपल के लिए मैं आपको एक तोड़कर बता दूंगी, फिर मैं ऑफ कैमरे के पीछे सभी निकाल कर रख लूँगी और आपको पाउडर बनाना बताऊँगी। नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है अगर आप हम एक एक जहाँ कैमरे के आगे निकाल लेंगे। ये फर्श पे तो अच्छी तरह हो जाता, काउंटर पे नहीं हो रहा, नीचे धरती पर रखने पर। इस प्रकार से मैं बता रही हूं, मैं आराम से निकालूंगी तो जो हरी पत्ती रहती है इसे निकालना है। सिर्फ हम इसमें से जो गिरी रहेगी ऊपर का छिलका उतार कर मैं दिखा रही हूँ आपको, इस प्रकार से जो गिरी है ना, जैसे बादाम से निकलती है, वो गिरी गिरी ले लेंगे और छिलका फेंक देंगे। फिर उन गिरियों का पाउडर हम लोग बनाएंगे, उसे मैं बाद में मेजर कर लूँगी स्केल से कि कितना। देखिए इस प्रकार से गिरी निकलेगी। ये खोल है, मैं दिखा रही हूँ आपको, आप अच्छी तरह देख लें। ये खोल हम फेंकते जाएंगे और गिरियाँ निकालते जाएंगे।
बड़े इत्मान से, बड़े आराम से ये काम हमें करना होता है। अदरवाइज हमारा जो कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खा होता है उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और खाने पर सेवन करने में भी पेशेंस से काम लेना पड़ता है, तभी हम उन दवाइयों का लाभ उठा पाते हैं। अगर आप मिर्च मसालेदार भोजन का परहेज रखते हुए गर्मियों में तो इन चीज़ों का 45 दिनों तक सेवन करेंगे तो ये महिलाओं के भी बहुत से रोगों को दूर करने वाला टॉनिक है, और जैसे कि रक्त प्रदर महिलाओं में बहुत खून जाता है तो उसको भी दूर करने वाला पदार्थ है। तो इसके मैं सारे चीज़ों के पहले बीज निकाल लूँगी, फिर आपको इसका पाउडर बताऊँगी किस प्रकार से तैयार करना है, जो खस है उसे किस प्रकार है, जो मिक्सी में एकदम से तो होगा नहीं, तो मैं इसका आपको एक हल बताती हूँ कि पहले हम क्या करेंगे। इसमें एक जड़ सी रहती है, देखिए ये नहीं पिस पाएगी, पहले थोड़ा थोड़ा मैं कैसे करूँगी बताती हूँ आपको। यह रहा मेरे पास लोहे का माम जस्ता, तो इसमें मैं इस खस को डालकर इस पर थोड़ी थोड़ी चोट लगा के इसे छोटे छोटे पीसों में टूट जाएगा ना, फिर मिक्सी में हम इसका पाउडर बड़ी आसानी से बना पाएंगे। और जो हमने कमल गट्टे दिखाए थे, और मैंने आपको बताया था कि मैंने गिरी निकाल लिया, तो इस प्रकार से मैं सारे कमल गट्टों को तोड़कर बीच की जो हरी पत्ती है उसे निकाल कर फेंक दूंगी और गिरियां निकाल लूंगी। फिर सभी चीज़ों को मैं आपके पास सामने ही करके बताऊंगी कि किस प्रकार के हमें पाउडर तैयार करना है। पहले मैं इन सभी चीज़ों की गिरियां निकाल लूं। ये जो आयुर्वेदिक नुस्खा हम तैयार करेंगे, औरतों में बढ़े हुए रक्त प्रदर को नाश करने वाला, पुरुषों में युवाओं में जो बहुत सी व्याधियां हैं उन्हें दूर करता है, जैसे कि धातु दुर्बलता, स्वप्न दोष और शिखर पतन की शिकायत, पित्तजन्या जो हमारे बहुत से और रोग होते हैं, नपुंसकता, पित्तजन्य नपुंसकता होती है, माइग्रेन होता है, बवासीर होती है, सिर का फूटना, मुंह के छाले से पीड़ित मैं बवासीर, बहुत से रोगों को ये नाश करेगा। अगर आप 45 दिन परहेज रख के सा बिना मिर्च मसाले वाला, तेज मिर्च मसाले वाला भोजन का त्याग करके इसका सेवन करोगे तो 100% से भी ज़्यादा आप इसका रिजल्ट पाओगे। अगर आप ऐसे ही करोगे तो भी बहुत बढ़िया है, गर्मी में आपको तरावट मिलेगी, सफुर्ती मिलेगी और ठंडक तो मिलनी ही मिलेगी, एक जो टॉनिक है शरीर और दिमाग के लिए। तो हम अब बनाने जा रहे हैं इसका पाउडर। मोटा मोटा सा हम इसे इस प्रकार से इमाम जस्ते में खस को कर लेंगे ताकि मिक्सी में बिल्कुल इसका महीन पाउडर हो सके। थोड़ा चिर मैं इसे बिल्कुल थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी, फिर मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे ताकि सभी चीज़ें जब हम पाउडर बनाएं तो एक जान हो सके और सभी औषधियों के हमें पूरे 100% रिजल्ट मिल सके, लाभ मिल सके, इसलिए मैं कूट रही हूँ। जो हमारी खसखस के दाने रहते हैं वो बहुत ही ब्रीक रहते हैं, जो मिक्सी के ब्लेड के नीचे नहीं आ पाते, इसलिए इसे भी हम इमाम जस्ते में खस काफ़ी हद तक देखिए हो गई है। बाकी देखिए नीचे तो महीन पाउडर ही बन गया है, मिक्सी में अब ये हो सकेगी बड़े आसानी से महीन। तो इसके साथ ही मैं खसखस के दाने भी डाल लूँगी ताकि इसका बिल्कुल महीन पाउडर बन जाए और हमें इसका पूरा 100% लाभ प्राप्त हो सके। ये मूसल के नीचे तो आ जाती हैं परंतु ब्लेड्स के नीचे नहीं आ पाते। हम सभी चीज़ों का, सभी औषधियों का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इमाम जस्ते में पहले से मोटा मोटा कूट लेंगे और फिर मिक्सी में ये सभी चीज़ों के साथ एक जान पाएगा। जो कमल गट्टे लिए थे हमने उसमें से इस प्रकार से हमने गिरी तोड़कर निकाल ली है, जैसा कि मैंने आपको कैमरे के आगे एक तोड़कर दिखाया था। सभी निकालकर इसमें से जो हरी पत्ती है इस प्रकार की रहती है, आप अच्छी तरह देख ले, बीच में रहती है कमल गट्टे के, वो हमने निकाल दी, और ये ऊपर वाला छिलका है। तो अब जो नेट 25 ग्राम है, तो मैंने 50 ग्राम लिए थे, 30 ग्राम इसमें गिरियाँ निकली हैं, मैंने 25 ग्राम हमने ले लिए, 25 और 5 ग्राम अलग पैकेट में बंद करके रख दी हैं। ये बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में काम में आते हैं, तो मैं और किसी काम में 5 ग्राम को ले लूँगी। तो इस प्रकार से कमल गट्टे की गिरी को हमने साफ कर लिया। तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी तामझाम है, परंतु आप ये तो देखिए कि जब डॉक्टरों को हमारा पैंक्रियाज पित्ता निकाल देते हैं, पथरियाँ हो जाती हैं, पेट के अनगिनत गर्मी के कारण माइग्रेन, ना जाने कितने रोग पेट में पनपते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि आप एक दिन, आधा दिन लगता है
समझ लो आधा दिन भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से सभी औषधियों को पीसकर एक ठंडा आयुर्वेदिक पेय बना लें, गर्मियों में इसका सेवन करें तो निश्चय ही आप बहुत से रोगों से बचे रहेंगे। तो मैंने तो आपको बता दिया है, मेरा काम बताना है, आगे आपने सोचना है। जो खस थी वो ऐसी ना फूस फूस सा देखे इस प्रकार हो गई है। इसके साथ ही मैंने खसखस के दाने भी पीस लिए थे क्योंकि वो बहुत बारीक दे रहती हैं, मिक्सी के ब्लेड के नीचे नहीं आ पाते। तो अब जब हम सभी औषधियों को पीसेंगे तो ये महीन पाउडर बन जाएगा। जब भी आयुर्वेदिक औषधियों का हमने पूरा लाभ लेना हो तो उसे हमने महीन पीसना होता है। इसी प्रकार से हम बारी बारी से सभी औषधियों को इसमें डालकर महीन पाउडर बनाएंगे। ये गुलाब के फूल है, सभी औषधियों को पीसने से पहले सभी चीज़ों को एक बार आप जो मैंने थाल दिखाया था उस थाल में डालकर किसी खुली ट्रे में डालकर छांट लें हाथ से। कई बार कोई जीव जंतु सुसरी वगैरह इसमें छोटे छोटे बारीक कीड़े रहते हैं, वो साफ़ हो सके। जैसे गुलाब के फूल ही थे, जब मैंने लेकर आई तो इसमें हरी हरी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी जिसके साथ गुलाब के का फूल डंठल के साथ जुड़ा रहता है इस प्रकार की। तो मैंने सभी वो निकाल दी, मैं और भी दिखाती हूँ आपको, दिखाने के लिए रखी हैं। तो इस प्रकार से आप किसी बड़ी प्लेट में डालकर साफ ये हरी हरी पंखुड़ियाँ निकाल ली हैं। एक बार सभी औषधियों को थाली में डालकर साफ कर लें फिर इसका महीन पाउडर बनाएं। जहाँ हमने गुलाब के फूल लिए हैं सूखे हुए, जे भी जहाँ पंसारी के मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं बड़ी आसानी से, तो बड़े धीरज से जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसे बनाया भी बहुत शांति के साथ, पेशेंस के साथ बनाया जाता है। और सेवन भी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पेशेंस हो, धैर्य हो, तभी इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। आजकल का इंस्टेंट जमाने वाला जिनके मन में भाव रहता है तभी तो लोगों के मन में उत्तेजना बनी रहती है और तरह तरह की साइकेट्रिक के मनोरोग लोग को साइकेट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो अब इसे हम ब्रीक पीस लेंगे। गुलाब के फूल, काली मिर्च, धनिया और दो चार और औषधियों को हमने पीस लिया है। इसी प्रकार से मैं सभी औषधियों को पीसती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। ये मेरे पास है ककड़ी के बीज, अब मैं इसे डाल रही हूँ, काली मिर्च साबुत, तो काहू के बीज, तो ये रहे कुल्फे के बीज, तो थोड़े थोड़े करके मैं जो हमारे पास ये है मतलब कि हमारा चंदन का बूरा जो तो पिसा हुआ ही है ये इसी प्रकार इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब रह गए हमारे पास काशनी, इसमें है हमारी वो खस और खसखस के दाने, ये चीज़ों को भी पीस लूँगी। जब हम पीसते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक होली होली धीरे धीरे पीसना है और पीसने के पश्चात जब हम स्टॉप कर देंगे तो मोटर को चलाना बंद कर देंगे तो कंटेनर को एक दो मिनट ठहर कर हमने खोलना है ढक्कन, यानी कि दो मिनट रुक के, पाँच मिनट रुक के खोला, नहीं तो वो महीन पाउडर होने के कारण सारा बाहर को उछल कर आ जाएगा और आपका इतना कॉस्टली जो पाउडर है वो वेस्ट चला जाएगा। यह वाला बर्तन काफ़ी छोटा था इसलिए मैंने एक थाल बड़ा ले लिया है और सभी जो औषधियाँ हमने पीसी हैं, सभी चीज़ें पीसी हैं उसे अब हम एक जान करेंगे। इसका टोटल वजन 625 ग्राम बन जाता है। किस प्रकार से इसे स्टोर करना है, किस प्रकार से सेवन करना है, सभी में कितनी मात्रा में करना है, सभी चीज़ें मैं आपके साथ आगे अच्छी तरह से शेयर करूँगी। तो आप देखते रहिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और मेरे कहने पर एक बार आप इसका सेवन जरूर करें तो आपके कमेंट पॉजिटिव रहेंगे कि हमारे बहुत से रोगों का नाश हो गया और गर्मी तो हमें मालूम ही नहीं पड़ी कि लग रही है या नहीं। सभी ठंडी तसीर की चीज़ें हैं, सुबह बस एक बार इसका सेवन करना है खाली पेट, फिर देखिए कि आपको क्या नज़ारा आता है, क्या लाजवाब आपके रिस्पांस आते हैं, बॉडी क्या रिस्पांस देती है। आयुर्वेदिक चीज़ें आज भी हमारे भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी पड़ी हैं, इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ पड़ी हैं जो मरे हुए पर्सन में भी ऐसा बोला जाता है कि जान डाल सकती हैं। तो पहले तो हमने जो सूखी चीज़ों वाला कंटेनर रहता है, सूखी चीज़ें ग्राइंड करते हैं, उसमें ग्राइंड किया था। अब हमने इसे अच्छी तरह प्रॉपर एक जान करना है, मिक्स करना है, इसलिए मैं बड़ा जार ले लूँगी तब ताकि एक बार में सभी चीज़ें एक सार हो सके। पिसाई तो इसकी खूब हो गई, बिल्कुल मैंने महीन पीसा है।
जो चीज़ें दो मोटी सी खसखस और खसखस के दाने और खस दोनों उन्होंने अमाम जस्ते में पहले कर लिया था। बाकी चीज़ें मिक्सी में डायरेक्ट ही पीस जाती हैं। गुलाब गुलू के फूल जो भी हैं, इलायची पाउडर सभी बहुत अच्छी से महीन हो गया है। खस थोड़ी फूस फूस की तरह थी, घास फूस की तरह, तो उसकी भी देखिए कितना बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो अगर हमने किसी भी आयुर्वैदिक औषधि को प्रॉपर लाभ उठाना हो तो उसका बिल्कुल महीन कपड़ छान चूर्ण बनाना चाहिए, तभी वो हमें 100% अपना रिजल्ट देती है। पाउडर तो हमने बना ही लिया था, अब हमने मिक्स करने के लिए इसमें डाला है। इस प्रकार इसे अच्छी तरह से एक जान कर लेंगे, फिर दूसरी को भी कर लेंगे, ताकि कोई भी औषधि कम या ज़्यादा मात्रा में ना रहे, एक सार मिक्स हो सके। इस प्रकार से आप किसी डब्बे में, डोलू में डालकर भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि ये बड़ा है जो गिल्ली चीज़ों के रहता है पीसने के लिए, तो मैंने इसे हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब बाकी का भी मैं मिक्स कर लूँगी इसमें ही डालकर, फिर मैं इसे आपको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी, ताकि सभी एक जान हो सके, सभी का हमें प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। अब जो रह गया था बाकी का, उसे भी हम इसमें डालकर पहले हला हला कर एक जान कर लेंगे। हमने सुबह से लेकर बड़ी मेहनत से सभी औषधियों को पीस लिया है और पीस कर इस प्रकार का पाउडर हमारे सामने है। तो अब इसे स्टोर कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगी, फिर बताऊंगी आगे सेवन कैसे करना है, कितनी कैसे मात्रा में करना है, कैसे किया जाता है। तो हमने आपको बहुत से इसके फ़ायदे तो बता दिए, बेहद फ़ायदे हैं। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। दूसरी बात, अब इस ये महीन पाउडर जिन औषधियों का बनाया है, ये औषधियाँ तासीर में बहुत ही ठंडी, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। और दूसरी तरफ गर्मी का सीजन पड़ रहा है, तो इस वजह से इन औषधियों में बहुत जल्दी यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसको बचाना कैसी है, किसी भी कांच की एयर टाइट बर्नी में, मैं तो नहीं कहूँगी प्लास्टिक में भी, वैसे लोग डालते हैं, तो मैं प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि कैसा बर्नी होनी चाहिए, मेरे पास अभी खाली करने वाली है। तो इस प्रकार की कोई भी कांच की, अभी इसमें थोड़ा साफ करने वाली थी मैं कांच का, मतलब कि इसमें अचार वगैरह डालती हूँ, तो इस प्रकार का कोई भी कांच का कंटेनर ले लें, तो उसमें आप इस पाउडर को डालकर अच्छी तरह एयर टाइट बंद करके और इसके बीच में एक चम्मच रख के फ्रिज में स्टोर कर दें, ताकि आप कभी भी गीला चमचा जब निकाले इसमें ना डाल सकें। तो फिर इसे भिगोना कैसी है, छानना कैसी है, कितनी मात्रा में करना है, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट। अगर तो आपने सुबह खाली पेट पीना है, तो हम इसे रात को किसी भी मिट्टी के बर्तन में, अगर बड़े शहरों में मिट्टी के बर्तन नहीं है, हमारे जहाँ तो करवा चौथ के करबे पड़े रहते हैं, जकरी होई माता अष्टमी वाले वो मिट्टी के रहते हैं, मैं तो उसमें भिगो देती हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, बड़े शहर है, तो आप कांच के किसी बाउल में इसे भिगोएंगे, एक पर्सन के लिए 10 ग्राम। जब मैं भिगोऊंगी आपको भिगो कर भी दिखाऊंगी, आप 10 ग्राम स्केल पर तोल लीजिए कि एक चम्मच बनते हैं कि दो, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। तो उस प्रकार से रात को भिगोएंगे, सुबह इसे हम किस प्रकार सेवन करेंगे वह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अभी हम, मैं इसमें स्टील के बर्तन में स्टोर कर रही हूँ, वो मेरा साफ करने वाला है बर्तन। तो इस प्रकार एयर टाइट बर्तन में मैं इसे अच्छी तरह भर के फ्रिज में बंद करके डिब्बे को रख दूंगी। बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है इसको, क्योंकि अब हमारे जहाँ तो पंजाब में 48 है आज टेम्परेचर, तो 48 देख लिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसमें क्या कुछ नहीं पड़ेगा, जीव जंतु कीड़े मकोड़े क्या कुछ नहीं चल जाएंगे। तो हमने तैयार कर लिया और आपको स्टोर करने का तरीका भी बता दिया। अब किस प्रकार से इसे पीने के लिए तैयार करना है और गलाना है, ये मैंने छोटे स्केल पर 10 ग्राम तोल लिया है, तो हर एक के पास तो ये ऐसे स्केल नहीं रहते, तो अब हम ऑर्डिनरी चम्मच से इसका नाप ले लेंगे कि एक व्यक्ति के लिए हमने कितना गलाना है। तो जैसे मैं 3 व्यक्तियों के लिए बनाऊंगी, तो हमें 3 गिलास चाहिए पानी के तैयार इस ठंडाई के, तो मैंने 1.5 गिलास इस एक मिट्टी के बर्तन में रात को पानी ले लिया है। तो अगर तो आपके पास ऐसा मिट्टी का बर्तन है
तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, इस प्रकार के कांच के बाउल, चीनी मिट्टी के बाउल तो हमारे घर में रहते ही है, उसमें आप इसे गला दीजिए। मेरे पास अवेलेबल है होई अष्टमी का, तो मैं इसमें गलाऊंगी। तो 10 ग्राम में कितना आता है, एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम सफिशेंट रहता है। एक जो ऑर्डिनरी चम्मच खाना खाने का रहता है उससे मैं आपको बता दूंगी, 2 और 3, 10 ग्राम में 3 चम्मच हमारे आते हैं। एक व्यक्ति के लिए आप 3 चम्मच पाउडर रात को भिगो दीजिए, गला दीजिए, और सुबह 1.5 गिलास हम और पानी लेंगे, क्योंकि हमें 3 गिलास चाहिए। वो किस प्रकार लेंगे मैं आपको बताऊंगी अच्छी तरह। आप अब मैं 3 व्यक्तियों के लिए मिला रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, सुबह मैं 3 व्यक्तियों के लिए बनाऊंगी, तो मैं उसी प्रकार उसी हिसाब से इसमें 9 चम्मच पाउडर डाल दूंगी। तो मैंने 9 चम्मच पाउडर इसमें डाल दिए हैं। तो ये पाउडर इतना लाजवाब, इतना फ़ायदेमंद है कि मैं कितनी भी इसकी प्रशंसा करूं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। पहली बात तो आप हर रोज़ गर्मी के दो महीने गर्मी पड़ती है, ज्येष्ठ और हार, तो इस दोनों महीनों में आप ज़रूर इसका सेवन कीजिए। आषाढ़ बोलते हैं हिंदी में, हमारे पंजाब में जेठ और आषाढ़ बोला जाता है। अगर आप ये थोड़ा कॉस्टली बनता है, काफ़ी कॉस्टली बनता है, तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हफ्ते में 2 बार तो इसका ज़रूर ही सेवन कीजिए। महीने में 4-5 बार इसका यानी कि सेवन ज़रूर कीजिए। आप बहुत से महंगे जो इलाज कराने वाले रोग हैं, जिनका इलाज बहुत महंगा है, उन रोगों से बचे रहेंगे। और गर्मी में ये लू से बचाएगा आपको, गर्मी लगने से बचाएगा, नकसीर सूटने से बचाएगा, बवासीर से बचाएगा, शीतलता देगा, दिमाग की बेअंत बीमारियों का हल करेगा, नाश करेगा, जो हमारा स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब मैं इसमें भिगो दिया, इसे इस प्रकार ढककर पूरी रात पड़ा रहने दूंगी, और सुबह आप खाली पेट सुबह 7-8 बजे 1 घंटा नाश्ता करने से पहले इसका सेवन कर लें। अगर आपने शाम को 3-4 बजे इसका सेवन करना है, तो आप क्या करेंगे कि रात को भिगोने की बजाय इसे सुबह 5-6 बजे, सुबह उठते ही 5-6 बजे इसे इसी प्रकार से पानी में डालकर गला देंगे, तब आप शाम को इसे बना सकेंगे। यानी कि इतने घंटे तो इसे पानी में पूरा छोड़ना ही है, ताकि सभी बेहद कीमती औषधियों के गुण हमारे पीने वाले पानी में उतर आए। तो अब सेवन किसे करेंगे, मैं सुबह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही जोड़कर बताऊंगी कि किस प्रकार से पीना है और इसे तैयार करना है। मिश्री थी जो, उसका भी मैंने पाउडर बनाकर रख लिया है जो आपको दिखाई थी, तो मिश्री डालकर इसका सेवन कैसे करेंगे। जो जिन लोगों को डायबिटीज है वो मिश्री पहली बात तो डाले ही ना, अगर थोड़ी बहुत डालनी है तो आधा चम्मच थोड़ी सी इसमें जब हम तैयार कर लेंगे तो मिलाएंगे, किस प्रकार में वो बाद में आपको बता दूंगी। जो हमने रात को जे ढंडियाई वाला पाउडर आयुर्वेदिक भिगो कर रखा था मिट्टी के पात्र में, अब वो अच्छी तरह से पाउडर गल गया है, और जे मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार मिश्री का पाउडर बना के रखा है हमने। ये ही इसमें बेहतर रहता है डालना, क्योंकि मिश्री भी तासीर में ठंडी होती है और ऑर्गेनिक होती है। जो केमिकल वाली चीनी होती है उसमें केमिकल मिला रहता है चीनी में, तो ये मैंने 3 टेबलस्पून जे वाले टेबलस्पून लेने लिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा 3.5 टेबलस्पून लेकर, क्योंकि हमें इसमें मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मीठा जो आपके अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। और ये मैंने लिया है हमने मसलिन क्लोथ, मलमल का कपड़ा, जिसे मैंने डबल कर लिया है, दोहरा कर लिया है, ताकि ये फट जाता है, और गीला भी करना है, गीला करके निचोड़ना है, नहीं तो ये कपड़ा बहुत जल्दी फटते हैं जब हम ऐसी। और अब इसे जो भिगोकर रखा था उसे हम मसल मसल कर इस मसलिन क्लॉथ में से निकाल लेंगे, पानी डाल डाल के। इसीलिए हम 3 गिलास थे ना, जैसे 3 गिलासों के लिए हमने भिगोया था पाउडर, तो उसमें मैंने कम पानी थोड़ा डाला था, जैसे 2 गिलास तक डाल दे और 1 गिलास मसलते समय, और इसे अच्छी तरह गलाना है। वो मैंने बता ही दिया था कि कितना समय आपको इसे गलाना चाहिए, ताकि जो भी औषधियाँ हैं, ये अनमोल औषधियाँ हैं जो हमारे जिगर की गर्मी को दूर करती हैं, आँखों की रोशनी को ठीक करती हैं, दिमागी कमजोरी को ठीक करती हैं, और बहुत सी स्त्री रोगों और पुरुषों के जो रोग हैं उसे मूल से नष्ट करती हैं, अगर हम 45 दिन परहेज रखते हुए इस पाउडर को पीते हैं।
पित्ते के रोगों को ठीक करती हैं, पथरियों को ठीक करती हैं, बनने ही नहीं देती। अगर बन गई तो वो तो अलग बात है, बनने नहीं देंगी आने वाले टाइम में। और पैंक्रियाज जो आजकल पित्ते निकल रही हैं, वो निकलने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सारा पाचन संस्थान को, नर्वस सिस्टम को ये पूरी तरह से अंदर से क्योर करती हैं। तो अब पानी डाल डाल कर हम इसे मसल मसल कर निकाल लेंगे, फिर हम इसमें मिश्री ऐड कर लेंगे। इसीलिए मैंने मिट्टी के बर्तन पात्र के लिए बोला था कि किसी भी आप पात्र ले लें मिट्टी का और उसमें भिगो दीजिए। ये हमने ऐसे अच्छी तरह मसल मसल कर निकालना है ताकि हमें पूरा इसका बेनिफिट मिल सके। ये औषधियाँ थोड़ी कीमती हैं, कॉस्टली हैं, परंतु आपके जो इसके बेनिफिट मिलेंगे उसके आगे वो कीमत कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा आपको तामझाम करना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि आपके अगर 5-6 घंटे लगते हैं इसे पाउडर को तैयार करने में, तो आप अपने इतने रोगों को दूर कर सकेंगे जिन्हें क्योर करने में 5-6 साल लग जाते हैं, और आपका टाइम और एनर्जी लगती है, सेहत की हानि होती है और टेंशन अलग से होती है। तब हम हॉस्पिटल में तरह तरह के रोगों की चिकित्सा करते करवाते और चक्कर निकालते ही घिस जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ये पेय जरूर बनाकर गर्मियों में पीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताइए कि इसका रिजल्ट क्या रहा। मैंने जिन भी लोगों को बताया है नेट पर डालने से पहले, अपनी फैमिली में या सेवन करवाया है, सभी में इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया दिया। मैं अच्छी तरह से चम्मच से, वैसे तो मिश्री का पाउडर फाइन है, परंतु फिर भी हमें अच्छी तरह से कोई ना कोई इसमें जो डेला सा रह जाता है अच्छी तरह से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। के लिए बर्फ भी डाल सकते हैं, मैंने तो वैसे मटके का पानी लिया था। आप इसका सेवन खाली पेट कीजिए, रात को इसे गलने के लिए मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में, जैसे मेरे पास बाउल है, ऐसे किसी बर्तन में भिगो कर ढककर रख दीजिए और सुबह इसे खाली पेट लीजिए, और इसके घंटा आधा घंटा बाद पश्चात ही नाश्ता करें तो बहुत बेटर रहेगा। जो लू लगने से बचाएगा और चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाएगा, आपको सुफुर्ती इतराव और शीतलता प्रदान करेगा। इसके अनगिनत फायदे हैं, मैं इसे गिना ही नहीं सकती। आयुर्वेदिक ने इसकी इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है, बस आपको पीना पड़ेगा। आंखों की रोशनी के लिए भी, आंखों में जलन लाली ना जाने तमाम रोगों में फायदा करता है। जब भी हमने इसका सेवन किया है तो हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। ये अनमोल एक आयुर्वेदिक की देन है, आप मेरे कहने पर इसे जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचिए, पानी बचाइए, पौधे लगाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम